cool. नेक्स्ट एक और वीडियो देख लेते, सोशल मीडिया अपडेट्स ले लेते, वी हैवंट वॉच दिस चैनल, उसका भी देख लेते, क्या नाम था उसका, द रिएक्शन वाला, या वो काफ़ी अच्छा सोशल मीडिया अपडेट्स देते रहते हैं। तो लेट्स सी कुछ निकाला है कि न्यूज़ ने। वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं टाइटल पढ़ देता हूँ एक बार, विराट कोहली गौतम गंभीर फाइट, द केरला स्टोरी एक्सपोज्ड, गोदी मीडिया इंसर्ट 10 मिनट। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की बात, खबरें जुड़ी हुई है विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच जो कल हुआ है। सोशल मीडिया पर अभी क्या चल रहा है अपडेट शेयर करेंगे पूरा मामला, और साथ ही साथ द केरला स्टोरी के हवाले से अपडेट है। कुवैती लेखक का ये कहना है कि जैसे इलेक्शन की डेट्स करीब आती हैं ऐसे प्रोपेगेंडा मूवीज आनी शुरू हो जाती है, और जो छोटे बड़े अपडेट्स अमूमन अपने शो में हम करते हैं आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहली जो अपडेट है वो असल कल के मैच से जुड़ी हुई है, जहां आरसीबी और LSG यानी बैंगलोर वर्सेस लखनऊ के बीच मैच था। लखनऊ के कोच है गौतम गंभीर, वैसे प्लेयर नहीं है वो, कोच है वो, लेकिन वो कोच वाली हरकत तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैच के एंडिंग होते होते तक जब प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो ये एक दूसरे से सर मिला रहे थे। अपडेट जो है वो 17वें ओवर से आई, जब नवीन और विराट कोहली के बीच में कुछ कहीं अनसुनी हो गई। उसके बाद केएल राहुल ने दोनों को मिलाने की भी कोशिश करी मैच के दौरान, लेकिन वो होता दिखा नहीं। अब बैंगलोर ने टारगेट दिया था 126 का, लखनऊ चेज नहीं कर पाई, 108 में सिमट गई। अब मैच खत्म होने के बाद प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो वहीं मेयर्स जो हैं वो विराट कोहली से बात करने लगते हैं, लेकिन अचानक से गौतम गंभीर आते हैं और आ करके मेयर्स को अपने साथ लेकर जाने लग जाते हैं। ये देख करके सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने विराट कोहली को यह जवाब दिया है कि पहले तमीज सीखो, क्योंकि कोहली ने गौतम की इस हरकत पर पूछ लिया कि ये क्या तरीका है, जैसे वो बचपन में नहीं करते थे हम उससे बात नहीं करोगे उस टाइप का, बैट लेके चले जाते थे। गौतम गंभीर का, जो कि आज पर सांसद भी है, कुछ उस तरीके की हरकत उनकी देखने को मिली जिस पर सोशल मीडिया पर काफी भारी आलोचना हुई गौतम गंभीर की। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों आपस में भिड़ने लग गए, सर से सर मिलाने लग गए। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि जैसी करनी वैसी ममता कुल करनी वैसी भरनी। असल मामला है कि जिस तरीके से काफी जोक भी कर डालने लग गया इसने। बैंगलोर में जब मैच था तो बैंगलोर ऑडियंस को चुप कराने की कोशिश करी थी कुछ इस तरीके के जेस्चर के साथ। तो कहा जा रहा है कि विराट कोहली ने जब ये किया तो शायद गौतम गंभीर इस बात से भड़क गए उनके ऊपर, जिस वजह से ये सारे काम को अंजाम होता हुआ हमने देखा। लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच की इस हार पर सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हार के बाद आप इस तरीके की मुठभेड़ करें, और कहा जाने लगा कि गौतम गंभीर को चाहिए मेंटल थेरेपी की जरूरत है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा कि गैंग ऑफ वसीपुर पहले थी, 2012 में भी कुछ इस तरीके के हालात हुए थे दोनों के बीच, और ये गैंग ऑफ वसीपुर पार्ट 2 है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, कोलकाता पुलिस की तरफ से कुछ इस तरीके के मीम्स बना बना करके अवेयरनेस फैलाया जाने लग गया। अब जिनको हिंदू मुसलमान करना था उन्होंने देखा कि मामला गौतम गंभीर से हटा करके नवीन पर लाना होगा, तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के पत्रकार विराट कोहली और नवीन के दोनों के बीच के इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करने लग जाते हैं कि कुछ तो हवा मिले, लेकिन अभी तक वैसी कोई हवा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बताते कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड जरूर कर रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि नवीन को इतना एटीट्यूड किस बात का है। विराट कोहली जैसे प्लेयर के साथ कुछ इस तरीके का एटीट्यूड बिल्कुल भी इंडियन सपोर्टर्स को ना पसंद आया है और ना ही आ सकता है, क्योंकि वो सीनियर है, और जिस तरीके का एटीट्यूड नवीन दिखा रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर द केरला स्टोरी काफी वायरल है। कुछ महीनों पहले टीजर आया था, टीजर देख करके समझ में आ रहा था कि जो एक्ट्रेस है, लीड एक्ट्रेस, वो पिक्चर के टीजर के अंदर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनका नाम जो है वो पहले शालिनी था और उसके बाद उनका नाम फातिमा हो गया है। और कुछ इस तरीके की बातें आ रही थी कि लगभग 32,000 महिलाओं को कन्वर्ट करके उनको दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए। अब सोशल मीडिया पर जो टीजर आया और अभी कुछ दिनों पहले ट्रेलर आया, और ट्रेलर को देखने के बाद ये सच हो जाता है कि पिक्चर जो बनाई गई है वो इसी इंटेंशन के साथ बनाई गई है कि ये बताया जाए कि कैसे धर्म परिवर्तन के नाम पर महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनको दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता है आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए। इस्लामोफोबिक कंटेंट से राइट विंगर्स ये जो निकाल पा रहा है, ये कौन सा सनशाइन पिक्चर्स निकाले, साफ हो जाता है कि उस पूरे 70 मिलियन को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये सब कुछ होता है। लेकिन क्या जो पिक्चर के अंदर या ट्रेलर के अंदर दिखाया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाहरी आलोचना हो रही है। यहाँ आदा शर्मा जो कि लीड एक्ट्रेस है, उनका ये कहना है कि इस पिक्चर को देखा जाए, काफी मेहनत करी है। तो वहीं लोगों का उनसे ये सवाल है कि 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। 32,000 Hindu girls went missing and their parents didn't even bother to file an FIR. Not a single one. ये कैसे हो सकता है? और एक भी FIR नहीं है। यानी कैसे माँ बाप होंगे कि जिनकी घर से बेटियां नहीं है, गायब है बेटियां, और कोई मामला दर्ज नहीं करवा रहा। सोशल मीडिया पर जो है वो भारी आलोचना देखने को मिली। यहाँ पर कुवैत के लेखक है, उनका कहना है कि जैसे जैसे इलेक्शन डेट करीब आती है वैसे वैसे प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है इंडिया में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ। पहले आई द कश्मीर फाइल्स, अब जो है द केरल स्टोरी आ गई है। यहाँ आपको बता दें कि जो डायरेक्टर है मूवी के, सुदीप्तो सेन, उनके पास ये प्रूफ नहीं है कि वो बता सकें कि ये 32,000 लड़कियों का उनके पास कोई आंकड़ा हो। ये रिपोर्ट उनके पास नहीं, क्योंकि ऑल्ट न्यूज ने इससे पहले भी इसका एक्सपोज किया है। यानी कुछ महीने पहले जब टीजर लॉन्च हुआ था तभी एक्सपोज किया था ऑल्ट न्यूज ने, और पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करी थी ये पता लगाने के लिए कि ये 32,000 आंकड़े आए तो आए कहाँ से। सोर्सेस की माने तो जो डायरेक्टर साहब हैं सुदीप्तो सेन, उन्होंने 2 एक्स सीएम केरल के कोट किया उनको। एक सीएम का बयान ये था कि 2006 से 2012 के बीच लगभग 25 से 2600 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे एक सीएम है, उनके मुताबिक, उनके बयान को जो कोट किया है वो ऐसे किया है कि बहुत जल्द जो है वो केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब ये दो बयानों के अंदर जो है ना आईएसएस का जिक्र है। अच्छा, आई गेस केरला को टारगेट करने का रीजन यही है क्योंकि केरला इज अ कम्युनिस्ट स्टेट और बीजेपी के हाथ नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली उसको टारगेट करना बनता ही है। लड़कियों को अफगानिस्तान और सीरिया भेजने का कोई जिक्र है, लेकिन पिक्चर के अंदर ये सब कुछ बोला गया है। सोशल मीडिया पर इसी की आलोचना हो रही है कि 32,000 जो आंकड़े बताए गए हैं वो सामने रखे जाएं। अब ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन केरल में होता नहीं है, होता है, लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो पेश किए जाए। तो सोशल मीडिया पर इन चीजों की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मांग कर रहे हैं लोग। और साथ ही साथ अब तो इनाम भी सामने रख दिया गया है 1 करोड़ का। बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रूफ कर दे कि 32,000 केरलिट्स कन्वर्ट करके सीरिया दिए गए हैं तो उन्हें 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी कहानी में एक नया मोड़ आया है। कुछ महीने पहले, यानी लगभग 7 महीने पहले, जो पिक्चर ये बता रही थी कि 32,000 लड़कियों के साथ ये हुआ है, अब उन्होंने अपने उसी टीजर के डिस्क्रिप्शन को चेंज करके 3 लड़कियों का जिक्र कर दिया। यानी 32,000 से अब 3 लड़कियों की कहानी इस पिक्चर में बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार द केरल स्टोरी की बाइकॉट और बैन की मांग चल रही है, बताते हुए कि पहले बताया 32,000, फिर कर दिया 3, उसके बाद कोई इसका प्रूफ भी नहीं है कि 32,000। फॉर द लास्ट 7 मंथ दिस पीपल वर टॉकिंग अबाउट 32,000 गर्ल्स एंड टुडे सीक्रेटली रिड्यूस्ड टू 0.3 गर्ल्स। द फिल्म शुड बी बैन्ड ऑन द चार्ज ऑफ स्प्रेडिंग बैड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द स्टेट एंड मुस्लिम। दैट्स राइट। आंकड़े आए तो आए कहां से? लगातार सोशल मीडिया पर ये पिक्चर जो है वो विवादों में गिरती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बता दें कि गोदी मीडिया किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है ये पता बहुत मुश्किल है, उनके सोर्सेस तो वो भी नहीं बता सकते। पाकिस्तानी पेरेंट्स लॉक डॉटर्स ग्रेव्स टू अवॉइड रेप। क्या क्या स्टोरी कर रहे हैं? कहीं की उठा के कहीं चिपका देंगे, मामला कहीं का होगा कुछ बता देंगे। एक्स मुस्लिम है, पाकिस्तान में रहते हैं, नाम है हारिस सुल्तान। इन्होंने एक पोस्ट कर दिया जिसके अंदर उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसके कवर के ऊपर जो है वो ग्रिल। पाकिस्तान हैज क्रिएटेड सच अ हॉर्डी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी दैट पीपल आर नाउ पुटिंग पैडलॉक ऑन द ग्रेव्स ऑफ देयर डॉटर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रेप। पाकिस्तान से, ओके। व्हेन यू लिंक द बुर्का विद रेप इट फॉलोज यू टू द ग्रेव। और उन्होंने कुछ अपनी कमेंट्री के साथ ये बताने की कोशिश करी कि पाकिस्तान में मुर्दा यानी डेड बॉडीज के साथ, यानी महिला डेड बॉडीज के साथ सेक्स किया जाता है जो कि मुर्दा है। तो इस अपडेट पर सोशल मीडिया पर कई मीडिया आउटलेट्स ने, ऑनलाइन सबने इसको रिपोर्ट किया और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में मुर्दा औरतों के साथ सेक्स हुआ है। जिससे परिवार डर गया है। दिस अनवेरिफाइड न्यूज़ बेस्ड ऑन अ ट्वीट इज कवर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज़ चैनल्स। जानियां लगा दी खबरों के ऊपर ताकि कोई उनकी बच्चियों का बलात्कार न कर सके जो कि पहले से ही मर चुकी हैं। और न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने एक पूरी रिपोर्ट पेश करी सामने और इस media outlets including ANI shared the photo of a padlocked grave with the claim to that parents in Pakistan were locking daughters' grave to avoid rape. The photo from Hyderabad, India, and the grave reportedly of an aged woman. पूरे मामले को बताया कि पाकिस्तान का नहीं हैदराबाद का जहाँ जो करीबी लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं कि जब उनको पता चलता है कि कुछ लोग जो है वो एक कब्र के ऊपर दूसरे को दफना देते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में ऐसे ही होता है कि अगर कुछ महीने या साल गुजर जाते हैं तो लोग एक के ऊपर एक को दफना देते हैं जगह की कमी होने की वजह से। लेकिन कुछ कैसे लोग मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं चीजों को। उनके कुछ करीबी लोग दफन है उसके ऊपर जाली लगा दी ताकि वो गंदा कचरा कुछ गंदगी ना फैलाए, वहाँ एक के ऊपर एक कवर न कर दें। इस वजह से इसके पीछे कोई रेप का या कोई पाकिस्तान की कोई ऐसी अपडेट नहीं है। सोशल मीडिया पर भारी फजीहत जो है गोदी मीडिया की होती हुई देखी कि किसी मामले को किसी से जोड़ने की कोशिश करी। अब सोशल मीडिया पर मांग हो रही है गोदी मीडिया से कि वो माफी कब मांगेंगे, क्योंकि हारिस सुल्तान तो माफी मांग चुके हैं जुबैर से, तो ये अपने आप में शर्मनाक है कि वही ओ हारिस सुल्तान ने माफी मांग लिया। थैंक यू जुबैर फॉर गेटिंग टू द बॉटम ऑफ दिस। व्हाइल दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज एंड आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर द सोर्स ऑफ माय इनिशियल इंफॉर्मेशन व्हिच वाज फ्रॉम सनम एनीथिंग द रीजन व्हाई इट वाज बिलीव्ड टू बी दैट नेक्रोफाइल that has become a serious issue in Pakistan. It is a disturbing reality and I believe that people may start placing padlocks on the grave of their female loved ones. I had intended to make a donation to your website for your good work, but it does not accept foreign donations. Nonetheless, I want to thank you for your good work. I have deleted the tweet. आने वाले कुछ ऐसी फर्जी खबरों को जो है वो फैलाते हैं और अभी जब वो माफी मांगते हैं तो इसके बाद प्रोपागेंडा ये होने लग जाता है मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। यहाँ की स्क्रीन पर ये सैयद रिजवान अहमद है, ये भाजपा के स्पोक पर्सन हैं और किस तरीके से इन्होंने एक एडिट करके, ये जुबैर बता रहा है कि एडिट करके उन्होंने शहबाज शरीफ का बयान शायद कर दिया, जिसके अंदर शहबाज शरीफ जो है वो मोहम्मद जुबैर यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद जुबैर की तारीफ कर रहे हैं, जबकि ये एडिटेड है। जिस पर मोहम्मद जुबैर बताते हैं कि ये एडिटिंग करके ऐसे ही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तानी समर्थन जो है वो मोहम्मद जुबैर के पास है और वहाँ के लोग कैसे उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ, आपकी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम करके वायरल हो रही है जहाँ एक गरीब जो है वो मांग रहा है और उसका एक्सपोज ऐसे होता है कि जब वो मांग रहा होता है तो वहाँ लोग उससे पूछते हैं और उसकी शर्ट जब खींचते हैं तो पता चलता है कि वो लूला नहीं है, लूला बन के मांग रहा था। तो जब वहाँ की जनता फिर जाती है उससे तो देखती है कि वो अपने कपड़े के अंदर हाथ को रख करके भीख मांग रहा है और टोपी लगाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग एक्सपोज करने लग जाते हैं कहते हुए कि हर जगह हर शहर में ऐसे जिहादी मिलेंगे। अल्लाह ताला के नाम पर क्या अब्दुल भीख भी नहीं मांग सकता? हाथ काटना जरूरी नहीं, छुपा के एक्टिंग तो कर सकता है। यानी जिस शख्स को बताया जा रहा है कि वो अब्दुल है और अल्लाह के नाम पर भीख मांगता है, लेकिन झूठ दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है कि वो लूला है, जबकि लूला नहीं है, उसका हाथ है, दोनों सलामत है, लेकिन वो दिखाया ऐसा रहा है कि वो लूला है, तो क्या वो भीख नहीं मांग सकता? सोशल मीडिया पर लोग पोल खोल देते हैं कहते हुए कि मामला राजस्थान का है और जिस पुअर गाय बीइंग बेगिंग गाय सीन बेगिंग इज बिरजू फ्रॉम राजस्थान के बारे में अल्लाह का नाम और मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका नाम बिरजू है। सोशल मीडिया पर सारी अपडेट्स काफ़ी वायरल हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर दिस हीटेड। क्या खतरनाक अपडेट्स है यार, क्या चल क्या रहा है सोशल मीडिया में, कितना ज़्यादा ही फेक न्यूज़ आजकल फेकरी कर रहा है। सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री फेकरी में नहीं, लोगों को भी फेकरी में बहुत मज़ा आने लग गया ऐसा। और जुबैर को तो यही काम वो डिबंक करता रहता है। दैट्स गुड। बट चलो फाइनली वी गॉट टू नो सम ऑफ दिस फेकरी न्यूज़ सोशल मीडिया में, क्या चल क्या रहा है। एक दिन में एक ऐसा वीडियो देख लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा देश कितना गार्बेज में जा रहा है, कितना डस्टबिन में चला गया है, पहुँच गया ऐसा सर मोदी जी के बदौलत। सब कुछ इनकरेज तो उन्होंने किया ऐसा। जो शब्द लोग यूज़ कर रहे हैं जिहाद हर चीज़ में, ये हमारा गोदी मीडिया का दिया हुआ देन है ऐसा। तो करो, पैदा करो ऐसा, और भी देखो कहाँ पे पहुँचता है हमारा दुनिया, हमारा देश डस्टबिन में और कहीं पे नहीं। विश्व गुरु बनने चले थे, चलेगा, पहुँचेगा डस्टबिन में बहुत ही जल्दी, मतलब पहुँच चुका है। बस समझ में नहीं आ रहा लोगों को लग रहा है कि हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा उछल पुछल के है ना, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया सब। डस्टबिन में लेट्स गो। सो या अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट गाइस, लेट्स बी बैक सून, बाय।